हेनरी साहब का एक सवाल है, ये ल्यूमैक्स ऑटो टेक के बारे में जानना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इसमें, एंटर टुडे ओनली, आज ही उन्होंने लगता है इसमें प्रवेश किया है, और नज़रिया बहुत छोटी अवधि का है, एक हफ्ते का है, तो एक हफ्ते के सौदे के लिहाज से उन्होंने आपकी राय मांगनी चाहिए, क्या ठीक पकड़ा है उन्होंने? ठीक है, आपने जो किया है हेनरी जी, ये मोमेंटम ट्रेड किया है। मोमेंटम सस्टेन होने के लिए आजकल लूडो है वो इम्पोर्टेंट है। आपने एक हफ्ते का व्यू मांगा है तो उस हिसाब से आप समझे, तो एक हफ्ते के हिसाब से अगर मोमेंटम ट्रेड में आज के लो के नीचे क्लोज हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, मोमेंटम वेन होगा। और अगर आज का लो होल्ड करता है और नहीं उसके नीचे क्लोज होता है तो ये मोमेंटम आपको 290 से 300 के रेंज में एक बार ले जाके देगा। फिर वहां जाके तो थोड़ा स्ट्रेच तो हो जाएगा, फिर वहां पे इवेल्युएट करेंगे 1 हफ्ते 1 वीक के हिसाब से ये व्यू बनता है। मोमेंटम ठीक है, कोई खराब नहीं है मोमेंटम, लेकिन 1 वीक के ट्रेड में आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, तो सिर्फ एक हफ्ते के लिहाज से वो देखना चाहते हैं, तो इस मोमेंटम के बने रहने की शर्त सोमेश जी ने आपके सामने बता दी है, 260-261 के आसपास का ये लो है आज का, उसका ध्यान रखिए, और एक तरीके से आप वहीं पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर वही मोमेंटम के बने रहने की शर्त है तो आपका स्टॉप लॉस भी वहीं पर होना चाहिए, उसके आसपास ही होना चाहिए। सोमेश, आपके स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है, जो टेक्निकली एकदम चार्ट पे दिखता है नंबर? मान लीजिए यहाँ पर अगर 261 का नंबर दिख रहा है तो बस 261 मशीन में डाल देते हैं, या उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटाव करते हैं? जोड़ घटाव करना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है इसमें जितना कम जोड़ घटाव करे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर मीडियम लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा तो मार्जिन ऑफ एरर लेना ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ये जी मोमेंटम ट्रेड है और बहुत ही इंस्टेंट ट्रेड है, एक हफ्ता मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम, तो उसके लिए कोई जोड़ घटाव नहीं। अर्लीएस्ट निकलना है अपने पोजिशन से, तो अर्लीएस्ट जी रिस्क यहाँ पे है लेकिन वो जब आप निकल। जोड़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अभी तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है नहीं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर जब निकालते हैं ना तो आप समझें कि वो मार्जिन ऑफ एरर 2% से 5% मतलब के रेंज। जोड़ घटाव इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ एरर, आप हाँ, वो मार्जिन ऑफ निकाल एरर लो। कितना हो सकता है उसी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, तो जो आपने जो सॉरी मॉडल आउटपुट देता है वो आउटपुट जो रहता है वो रेंज रहता है, और उस रेंज में एक प्रोबेबिलिटी आती है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि उस प्रोबेबिलिटी में हमें कितना एडजस्टमेंट करना है। बिकॉज ये तो ट्रेड तो दिमाग वाला ही है, लेकिन जो सिस्टम बेस्ड जो ट्रेड होते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेड्स होते हैं, उसमें तो एक पॉइंट डिफाइन होता है, उस पॉइंट के नीचे ऊपर का मामला खत्म, और उसमें मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं। इनको जब हम मैन्युअली देखते हैं तो इनको फाइन ट्यून करते हैं जो बेस्ट हो सकता है, मतलब थियोरिटिकल स्टॉप लॉस प्लस होप, उन दोनों को मिला के तुम होप में मार्जिन ऑफ एरर को बेक इन करना पड़ता। जी, तो इसको कैसे समझा जाए? अगर मान लीजिए 100 आपका स्टॉप लॉस है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल लेवल उसके आसपास बैठ रहा है उसको ध्यान में रखें, या जो लेवल टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर से अगर मान लीजिए आसपास कहीं आ रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि क्या इसके पीछे एक ये मनोविज्ञान है कि चूंकि जिस लेवल को सारे लोग देख रहे होते हैं वो लेवल या तो नहीं आएगा या ओवरशूट करेगा? तो इसके लिए स्टॉक की मेनली जो वोलेटिलिटी होती है ना वो रीड करनी पड़ती है, उस वोलेटिलिटी के हिसाब से लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अब स्टॉक जैसे बहुत दिन से कंसोलिडेशन में है तो उसकी लेवल की बहुत एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है कि हम करें, बिकॉज कितने तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, एक जो हमारा पैरामीटर ट्रेडिंग होता है और दूसरा जो हमारा पैटर्न ट्रेडिंग होता है। तो पैटर्न ट्रेडिंग के हिसाब से तो ट्रेंड लाइन या जो भी पैटर्न बनता है, जो उसके डेफिनेशंस होते हैं, उसके हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। पैरामीटर के हिसाब से जो बेस्ट सपोर्ट निकल के आता है उसके नीचे थोड़ा सा फैक्टर करके सपोर्ट, या उसके ऊपर थोड़ा फैक्टर करके रेसिस्टेंस, उसको फैक्टर इन किया जाता है जो पैरामीटर से बेस्ट आउटपुट निकल के आता है। अब तो उस पर भी यही कहा जा सकता है कि हर इंसान का अपना अपना मेथड है और उस हिसाब से वो फॉलो करता है। तो ये सिस्टम बेस्ड ट्रेड रहेगा तब तो बिल्कुल थियरी और फॉर्मूला रहेगा, अदरवाइज बाकी अपना एक्सपीरियंस रहेगा।
क्या उसमें उस खास शेयर की अपनी बीटा वैल्यू भी मायने रखती है? अगर कोई ज़्यादा बीटा का शेयर है तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा ज़्यादा रख लें, अगर बीटा कम है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत हल्का रखें या ना रखें? तो बीटा तो पैरामीटर है कि आप मार्केट के अगेंस्ट में उसमें कितनी राइज या फॉल देखते हैं, वो मार्केट के अगेंस्ट उसकी रीडिंग रहती है। लेकिन स्टॉक की जो अपनी वोलेटिलिटी है वो डिफाइन करती है कि उसका अपना स्टॉप लॉस का लेवल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ज़्यादा बेटर देगा। बीटा ये बताएगा हमें कि मार्केट के अगेंस्ट इसका क्या बिहेवियर रहेगा। स्टॉक का जो अपना बिहेवियर रहेगा उसके लिए उसकी अपनी एच भी काफ़ी होती है समझने के लिए। इसीलिए जब हम मार्केट रीड करते हैं तो मार्केट का विक्स बहुत ज़्यादा हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का नेचर है। इसका एक और तरीका है, वो डिपेंड करता है कि समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। अगर स्टॉक वोलाटाइल है तो वो आपको कैंडलस्टिक्स में भी दिखेगा, उसका बहुत ही इराटिक मूवमेंट रहेगा, तो वहाँ से भी एक समझ में आ जाता है। बाकी उसको फाइन ट्यून करने के लिए तो मॉडल पर वर्क करना ही जी।